अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन सबलेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे प्रॉन्स का सालन। वो कैसे बनाते हैं बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ। हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। देखिए गाइस, हमने पहले ऑयल डाला है। तो देखिए गाइस, हमने प्रॉन्स लिए हैं, प्रॉन्स अच्छे से साफ करके रखे हैं। आपको जितना प्रॉन्स चाहिए उतना ले लें आप। तो गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे राई के दाने। अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने, दो चार काली मेथी। साथ हमें गैस का फ्लेम लो पे रखा है, तो हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑनियन, दो ऑनियन को कट करके रखा हुआ डालने, उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। गैस हम मिट्टी के बाउल लेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये बाउल लिया। तो आपको ऑनियन अच्छे से फ्राई करने, डीप फ्राई। अभी आप गैस का फ्लेम फुल पे कर दें। अभी हमने हरा धनिया लिया है, ग्रीन चिल्ली लिए, इसे हम कूटेंगे, फिर ऑनियन के साथ में फ्राई करेंगे इनको। देखिए गैस कूटो हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम वो पे रखा है, ऑनियन को अच्छे से फ्राई करें। अभी हमने डालेंगे हम प्रॉन झींगा, जो जो कि हमने साफ करके रखा हुआ है वो डालेंगे। इनको भी अच्छे से फ्राई करें। अभी हम एक टोमेटो डालेंगे कट करके, उसे भी अच्छे से फ्राई कर लें इनके साथ में। ये सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ईजी मेथड से बनता है। राइस के साथ आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हेल्दी भी होते हैं अपने शरीर के लिए प्रॉन्स। देखिए गाइस, हमने इमली को भिगो के रखा हुआ था। अब एक बाउल लेंगे, इमली के पानी को हम इसमें ड्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे झरने की मदद से। अब इसमें हम कुछ पानी और ऐड करेंगे। हमारे प्रॉन्स ऑनियन टमाटर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो हमने जो इमली का रस निकाल के रखा था मेरा गाइस। अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे मसाले। हमें पहले डालना है स्वाद अनुसार नमक, मैंने हाफ टी स्पून लिया है। हल्का सा हम लेंगे टर्मरिक पाउडर। अभी हम इसमें हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर लेंगे, और अभी हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना डाल सकते हैं आप। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। डालेंगे जो हमने गोल बनाया है उसको प्रॉन के, इसे अच्छे से मिक्स करें। गैस का फ्लेम लो पे रखें और इसे ढक करके अच्छे से 15-20 मिनट के लिए पकने दें। देखिए गाइस, कुछ ही देर में अपना सालन बनके तैयार है। राइस के साथ खाइए, मजे लीजिए। गाइस, कुछ ही देर में बनके तैयार अपना सालन। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। राइस के साथ खाइए, मजे लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।